Hello everyone, welcome to my channel. I am Nithi. So today we are going to start our next poem of class 12th Hindi, that is Baat Seedhi Thi Par. Baat Seedhi Thi Par कविता में कुंवर नारायण ने यह स्पष्ट किया है कि जब भी कवि कोई रचना करने लगता है तो उसे अपनी बात को सहज भाव से स्पष्ट करना चाहिए, न कि किसी तर्क जाल में उलझाकर अपनी बात को उलझा देना चाहिए। दिखावटी शब्दावली से बनी रचना कभी भी प्रभावशाली नहीं होती। इसके लिए कवि ने पेच का उदाहरण दिया है। पेच को यदि सहजता से पेचकस से कसा जाए तो वह कस जाती है, लेकिन उसके साथ जबरदस्ती की जाए तो उसकी चूड़ियां घिसकर मर जाती है और उसे ठोककर वहीं दबाना पड़ता है। इसी प्रकार से अपनी अभिव्यक्ति में यदि कवि सहज भाषा का प्रयोग नहीं करता तो उसकी रचना प्रभावशाली नहीं बन पाती। सही बात को सही शब्दों के माध्यम से कहने से ही रचना प्रभावशाली बन पाती है। तो ये सब जानने के बाद चलिए हम करते हैं अपनी कविता शुरू। हमारी कविता का सबसे पहला काव्यांश कुछ इस प्रकार है। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा त्रोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। इसमें कवि कहते हैं कि जब भी कवि अपनी सीधी साधी भावनाओं को व्यक्त करना चाहता है तो भाषा के चक्कर में फंसकर वह बात को सहज रूप से नहीं कह पाता, जिससे उसकी बात बिगड़ जाती है। वह फिर से कोशिश करता है और भाषा के नए नए शब्दों को उलट पुलट और तोड़ मरोड़ कर प्रयोग करता है और भाषा में अनेक बदलाव लाता है कि किसी प्रकार से उसकी बात बन जाए, लेकिन भाषा के दिखावटी प्रयोगों से उसकी बात स्पष्ट न होकर और भी उलझती गई और उसे समझना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया। वह कथ्य को जितना ज्यादा आसान बनाना चाहता था, भाषा के जाल में उलझकर वह और भी ज्यादा असहज और मुश्किल बनती चली गई। इसके बाद सेकंड काव्यांश है, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था और जबरदस्ती से बात की चूड़ी भर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। कवि कहता है कि जब भी वह कोई बात कहने लगता है तो शब्द जाल में उलझकर उसकी बात और भी उलझ जाती है। अपने कथ्य की विभिन्न कठिनाइयों को धीरता से समझे बिना वह उलझन में और उलझता जाता है, जैसे कि किसी पेच को जबरदस्ती कसा जाए और वह ढीली पड़ जाए। मेरे इस प्रकार के भाषा के प्रयोगों पर मुझे सुनने वाले मेरे कथ्य को समझे बिना ही मेरे शब्द चयन पर मुझे शाबाशी देने लगते हैं और मेरे शब्द आडंबर की प्रशंसा करने लगते हैं। इससे यही होता है कि जैसे पेच के साथ जबरदस्ती की जाए और उसकी चूड़ियां समाप्त हो जाती हैं, उसी प्रकार से मेरी जो बात है उसका प्रभाव भी समाप्त हो जाता है और वह मात्र शब्दों का जाल बनकर रह जाती है। इसके बाद लास्ट काव्यांश है, हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीने पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? कवि कहता है कि जब उससे उसकी बात स्पष्ट न हो सकी और भी अधिक उलझती गई तो उसने उसे उसी स्थान पर वैसे ही छोड़ दिया, जैसे पेच की चूड़ियां मर जाने पर उसे कील की तरह उसी स्थान पर ठोक दिया जाता है। ऐसी स्थिति में ऊपर से सब कुछ सुंदर और आकर्षक लगता है, लेकिन उसमें सहज रूप से कसाव और ताकत नहीं मिलती। आडंबर पूर्ण शब्दावली से वाह वाह ही तो मिल जाती है, लेकिन बात स्पष्ट नहीं हो पाती। इसलिए जब मैं अपनी बात को स्पष्ट न कर सका तो एक शरारती बच्चे के समान
मुझसे खेलने वाली बात ने मुझे पसीने पोंछते देखकर मुझसे पूछा कि क्या मैंने भाषा को सहजता से व्यवहार में लाना नहीं सीखा है। वह जानना चाहता था कि मैं शब्द जाल में फंसकर क्यों अपनी बात को उलझाता गया, जबकि सहज सरल भाषा से अपनी बात को कहकर मैं सबको अपनी बात समझा सकता था। तो इसी के साथ हमारी ये बड़ी ही प्रभावशाली कविता फिनिश होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज शेयर इट विद योर क्लासमेट्स एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल।